स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बोर्ड से मांग की थी कि विदेशी दौरों के लिए खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नियों को भी साथ जाने की आज़ादी होनी चाहिए। गौरतलब है कि पहले विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के साथ उनकी धर्म पत्नियां होती थी, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने इस नियम में बदलाव किया था, जिसको लेकर विराट ने बोर्ड में अपनी बात रखी थी। इसी मुद्दे को लेकर बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, ये खिलाड़ियों के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है कि वो पूरे दौरे पर पत्नियों को साथ रखें या नहीं। यदि वो इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही जब गंभीर से टीम इंडिया की 2019 विश्व कप में जीत की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी टीम को फेवरेट नहीं बताया और कहा, भारतीय टीम फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वर्तमान में आप विजेता टीम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इस समय दुनिया में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कई बेहतरीन टीमें हैं, ऐसे में आप किसी एक टीम को फेवरेट नहीं बता सकते।